रंगदारी और जमीन से बेदखल करने और धमकी के मामले में प्रमुख पति और पुत्र पर एफआईआर करने का आदेश। मैनाटांड में भू माफिया के आतंक, प्रमुख के पुत्र और पति पर सीजीएम ने दिया एफआईआर करने का आदेश। 2019 से दर दर भटकता रहा पीड़ित अपने ही जमीन के लिए, नहीं मिला था कोई न्याय। पीड़ित ने दर दर भटकने के बाद कोर्ट का लिया सहारा। न्यूज़ 9 टाइम्स, मैनाटांड से मुसैब अहमद के साथ सफ़ीर अहमद की रिपोर्ट। पश्चिमी चंपारण मैनाटांड थाना क्षेत्र में एक और रंगदारी का मामला प्रकाश में आया है, जो कि मैनाटांड निवासी राजकिशोर शर्मा, पिता स्वर्गीय रघुनाथ ठाकुर, वार्ड नंबर 7 के रहने वाले हैं, जहां वर्ष 2019 में चार धूर जमीन पर अनूप कुमार, रोहित कुमार, ब्रजकिशोर प्रसाद ने, जो वर्तमान प्रखंड प्रमुख सुनैना देवी के दो पुत्र और पति सहित असामाजिक तत्वों को मिलाकर उनके चार धूर जमीन पर कब्जा कर लिया और उस जमीन पर कोई निर्माण कार्य नहीं होने दे रहा था। कब्जा की जमीन छोड़ने के लिए रंगदारी में 5 लाख रुपए की मांग की गई थी, जिसको लेकर राजकिशोर शर्मा ने वर्ष 2019 से लेकर अब तक जिला एवं राज्य के वरीय पुलिस पदाधिकारियों के पास दौड़ते रहे, लिखा पढ़ी करते रहे, परंतु इस दिशा में कोई कार्रवाई नहीं हुई और कोई न्याय नहीं मिला। तब जाकर राजकिशोर शर्मा ने मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी बेतिया के समक्ष एक परिवाद पत्र इस आशय की दाखिल किया, जिसमें अनूप कुमार, रोहित कुमार और ब्रजकिशोर प्रसाद वर्तमान प्रखंड प्रमुख के पति एवं पुत्रों के ऊपर, इसको लेकर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी बेतिया ने मैनाटांड थाना को एफआईआर दर्ज कर अग्रेतर कार्रवाई करने के लिए आदेश दिया। अब देखना यह है कि पीड़ित को न्याय मिलता है या प्रशासन से भरोसा टूटता है। न्यूज 9 टाइम्स। मामला है कि मेरा चार धूर जमीन बैनामा खरीदे हैं, जिसका मेरे पास रसीद वगैरह सब कुछ है, और ये जो है अनूप कुमार प्रमुख का लड़का है, ये 2019 से हम लोग को तब तंग तबाह कर रहा है कि जमीन ता जबरदस्ती छेक लिया है और कहता है कि इस जमीन पर जब तक पैसा नहीं दीजिएगा 5 लाख, तब तक आपको इस जमीन पर आने नहीं देंगे। और हमने थाना प्रभारी, सीओ और डीएसपी साहब, डीएम साहब, आईजी साहब, डीआईजी साहब तक हमने अपना आवेदन लिखा, पर आज तक हमको कोई राहत नहीं मिला। अब लास्ट में थक करके हमने सीजीएम ऑफिस में अपना दरखास्त लगाया, जो आज दो रोज हो गया लगाए हुए हमको दरखास्त। आशा तो है कि थाना प्रभारी हमरे कुछ कर सकते हैं इसमें हेल्प। अब क्या करेंगे नहीं करेंगे अब वो समझते हैं। अनूप कुमार जो है यहाँ प्रमुख का लड़का है और मैनेटर का है, और वो एक भाई है उनका रोहित कुमार, और पिता है ब्रजकिशोर प्रसाद। ये सब तीनों मिल करके, बहुत अज्ञात लोगों मिल करके के हम लोगों को जान से मारने का धमकी भी देता है, बार बार हम लोगों को वो टॉर्चर कर रहा है और मेरे जमीन पर आने से, जबकि हमने कोर्ट में भी इसका केस किया तो भी आज तक किसी प्रकार का उन्होंने अपना साबूत नहीं दिखाया, चाहे थाना में नहीं दिखाया, चाहे और आला अधिकारी को यहाँ, चाहे कोर्ट में भी नहीं दिखाया कि हाँ हमारे पास ये जमीन का ये पेपर है कि नहीं है, क्या है। अब कोई नहीं पूछता है कि तुम्हारे पास पेपर है कि नहीं है, कोई अफसर भी नहीं पूछता है कि तुम्हारे पास पेपर नहीं है तो तुम क्यों जाता है उस जमीन पर। आपको लगता है कि इस बार आपको न्याय मिलेगा? हाँ, हमको तो आशा है कि इस बार हमको न्याय मिलेगा। पता चला है कि वो जो अनूप कुमार है, कई लोगों से रंगदारी और जमीन का अपने इसी तरह का इसका मामला है सर, कि वो किसी का जमीन पर हाथ बढ़ाता है कि वो ये जमीन मेरा हो जाए, और इसी तरह का मामला करता है, लोगों से पैसा लेता है। लगभग 15-20 आदमी का मामला है मैनाटांड का। मामला ही है या एफआईआर वगैरह दर्ज भी हुआ है? नहीं, मामला है और कुछ मैंने दर्ज है,
लेकिन मामला इस पर है, लेकिन उसके डर से सारा लोग सहमा हुआ है जो कहने से मैंने अच्छी बोलने से इनका। अब मेरा नाम राजकिशोर शर्मा है, मैं मैनाटा गांव का इसी गांव का रहने वाला हूँ, 7 नंबर वार्ड में जो जिस जमीन पर खड़ा हूँ इसी वार्ड में है यह जमीन। क्या मामला है राजकिशोर शर्मा के साथ जो इस मामला जमीनी का लेकर के, क्या सच्चाई है क्या? हाँ सही बात है, यही काम है उसका जमीन है जो अनूप वो प्रमुख के बेटा है अनूप कुमार, यही काम है उसका। यही काम है रंगदारी। हाँ हाँ जी हम लेता है, स्थानीय प्रशासन उसके ऊपर कुछ कोई कार्रवाई नहीं करती है? हाँ करता है। आपका परिचय? रमान पटेल मैनटा। क्या मामला है आपके परिवार में? मेरा मामला यही है कि मेरा जमीन जो है वो चेक लिया है दमंगाई के चलते। कौन चेक है? अनूप कुमार। कहाँ के रहने वाले? मैनटा निवासी है, प्रमुख का लड़का है, उसकी मम्मी प्रमुख है। क्या कहना मतलब क्या कह रहा है आपसे बार बार? बोल रहा है कि 5 लाख रुपया लेंगे तभी जमीन तुमको देंगे, नहीं तो जमीन घेर लिया है, बाउंड्री कर लिया है। जबरन आपका जमीन? जबरन घेर लिया है। तो 5 लाख रुपया दीजिए, जमीन चाहिए तो। जमीन चाहिए तो 5 लाख रुपया दो, नहीं तो जमीन दो। तो क्या आप गुहार लगाते हैं? गुहार लगाते हैं यही प्रशासन की हमको मदद दिलाए और मेरा जमीन मेरे हवाले करवा दे। कुछ और है, हाल में ही नीतीश कुमार का चल रहा है, उनके साथ भी ये भी रंगदारी और जमीन। हाँ उन्हीं के पास में 50 लाख रंगदारी उनका भी चल रहा है। हाँ लगा है, बोला जा रहा है कि मिलेगा, न्याय मिलेगा मिलेगा, अब तक नहीं मिला। आपका परिचय? परमानंद शर्मा, मैनटाण का मैनटाण घर है, 7 नंबर वार्ड है। पिता का नाम? राजकिशोर शर्मा। मेरा जमीन 4 धूर मेरे पिताजी खरीदे हुए थे 2001 में, उसने जबरदस्ती 2011 में खरीदे हुए थे, 2019 को कब्जा कर लिया, यही मेरा जमीन है। अनूप कुमार? अनूप कुमार वो प्रमुख है, पैक्स का अध्यक्ष है, यहाँ का रंगदार भी है, दबंग आदमी है, वही आकर 5 लाख रुपए मांगा है, नहीं देने पर जमीन कब्जा कर लिया है। अनूप कुमार है या उसका परिवार में? नहीं उसका माँ है, प्रमुख के पुत्र अनूप कुमार है जी। तो क्या पूरा मामला क्या है, मतलब 5 लाख रुपया रंगदारी मांग रहा है जी, जमीन ना? हाँ रंगदारी मांग रहा है, नहीं रंगदारी देर पर जमीन कब्जा कर लिया है। हमारे पिताजी कोर्ट कचहरी चक्कर बहुत लगा रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा है,